मेरी आज की कहानी का नाम है बड़ी भूल। एक जैसी हरकत बार बार करने वाले पर लोग ध्यान नहीं देते, हालांकि इससे दुर्घटना का खतरा बढ़ जाता है। मेरी आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। पड़ोस के ताऊजी कैश काउंटर पर बैठते, शाम के वक्त दोस्तों के साथ हंसी मजाक और चाय नाश्ते का दौर चलता। ना जाने कैसे उन्हें मदपान की आदत लग गई, दुकान से गायब रहने लगे। होते भी तो ग्राहकों और कर्मचारियों से बहस करते रहते। हालात की नजाकत समझकर छोटे बेटे ने दुकान खुद संभाल ली। ताऊजी को इससे कोई इतराज नहीं हुआ। वे खुश थे कि खुद के लिए और वक्त मिलेगा। अब तो आए दिन नशे में धुत होकर लोगों से लड़ते और कहीं भी लड़खड़ाकर गिर जाते। इससे परेशान होकर परिजनों ने भी उन्हें रोकना टोकना और समझाना बंद कर दिया। एक दिन सुबह के वक्त पड़ोस के छोटे भैया ने घर में घुसते ही आवाज लगाई, ताऊजी स्कूल के सामने गिरे हुए हैं। किसी ने उसकी बात पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। सारा दिन बीत गया। जब शाम तक ताऊजी भी वहां से उठकर नहीं आए, तब परिजनों को चिंता हुई। जाकर देखा तो पता चला ताऊजी की हालत काफी खराब है। दरअसल वह नशे में नहीं गिरे थे, बल्कि उन्हें लकवा मार गया था। शुक्र है डॉक्टरों ने उन्हें यथोचित उपचार देकर बचा लिया, नहीं तो एक छोटी सी भूल कभी भी ना भरने वाले नुकसान की वजह बन जाती। खैर, किसे दोष दें, किसने बड़ी गलती की और किसकी भूल छोटी, यह तय करना बेहद मुश्किल है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें एंड शेयर करें। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें।